अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। ये चलते हैं आपको दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। खबर है, एशियाई हाथी अपने मुर्दा बच्चों को हफ्तों साथ रखते हैं। अफ्रीकी और एशियाई हाथी अपने बच्चे की मौत पर इंसानों की तरह सोगवार होती हैं और इनके साथ वक्त गुजारती हैं। एशियाई हाथी एंड अफ्रीकी हाथी की तरह अपने प्यारों का तवील गम मनाते हैं। इनका इंकशाफ पास वीडियो से हुआ है, जिसमें एशिया की मादा हाथियों को अपने मुर्दा बच्चों के साथ देखा गया है। कुछ मादा हाथियों ने बच्चे को हफ्तों तक उठाए रखा। इसी तरह हाथी जैसे एहसास जानवर के जज्बात समझने में मदद मिल सकेगी। एशियाई हाथी मजबूत समाजी बंधन में रहते हैं और अब मालूम हुआ है कि किसी हाथी या और बिलखसूस बच्चे की मौत माँ के लिए बहुत अफसोसनाक होती है और वह अपने मुर्दा बच्चों को तवील अरसे तक साथ लिए घूमती हैं। स्मिथसोनियन में तहफ्फुज हैवानात के इंस्टीट्यूट से वाबस्ता संजीता पोखरण और क्यूटो यूनिवर्सिटी से वाबस्ता निशिकिता शर्मा ने बताया है कि इस तहकीक से हाथी जैसे जानवरों के तहफ्फुज में बहुत मदद मिलेगी। हमने देखा है कि हथनी अपने बच्चों से बेहद लगाव रखती हैं, बल्कि वो इसकी लाश को खुद से अलग नहीं होने देती। इससे कबल रेगिस्तानी ऊँटों को भी अपने मुर्दा बच्चों पर आंसू बहाते और अफसरदा देखा गया है। माहिरीन ने बताया, इनके मुताबिक कई ममालिक में इंसान और हाथियों के दरमियान हदूद और वसाइल की लड़ाई जारी है। इस तहकीक से खुद इंसानों और हाथियों के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी पर तहकीक में मदद मिलेगी। इससे कबल अफ्रीकी हाथियों में नोट किया गया है कि जब जब इनके कबीले का कोई हाथी मरता है तो सब इसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। कभी वो अपनी सूंड से लाश को छूते हैं और इसकी लाश के गिर्द पहरा भी देते हैं। ममर खातून ने जवानों को भी मात दे दी। उम्र रसीदा भारतीय खातून ने कई किलो वजन उठाकर अपने पोते का दिया चैलेंज पूरा करके सोशल मीडिया सार्फीन को दंग कर दिया। जिस्म को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले भारी भरकम बारबल उठाना जवानों के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन भारत की 80 साल बूढ़ी खातून से भारी भरकम बारबल उठाने का चैलेंज पूरा करके सबको हैरतजदा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक खातून उम्र रसीदा खातून को बारबल उठाते देखा जा सकता है। खातून ने इतनी आराम और आसानी से बारबल उठाया जैसे बारबल उठाना इनका मामूल हो। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 80 साल खातून को पोते ने वजन उठाने का चैलेंज दिया था। वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी, जिसे अब तक 4000 से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका है, जबकि वीडियो पर अब तक सैकड़ों लाइक्स आ चुके हैं। जापान की 37 साल खातून आयोनी टाकादा दुनिया में सबसे ज्यादा लचकदार कानों की मालिक है और अब वो कान लपेटकर इसमें छतरी लटका सकती हैं और सेल्फी स्टिक भी संभाल सकती हैं। स्कूल की सातवीं जमात में उन्होंने महसूस किया कि इनके कानों की लो बहुत लचकदार है और इन्हें गैर मामूली तौर पर खींचा जा सकता है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल उन्होंने इस वक्त किया जब वो दोनों हाथों में सामान उठाए घर आ रही थी कि बारिश हो गई। अब उन्होंने कान का किनारा मोड़कर इसमें छतरी की सुलाह टका दी और घर पहुंची। अब वो सेल्फी स्टिक भी कान में फंसा कर चलती हैं और कान में कलम टका कर खताती भी कर सकती हैं। यही वजह है कि इन्हें लचकदार लड़की का नाम दिया गया है। आम इंसानों के मुकाबले में वो कान को 4.5 सेंटीमीटर तक खींच सकती हैं और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। ताहम कान छोड़ने पर थोड़ी देर बाद अजगुद अपने मुकाम पर आ जाता है। अगरचे वो बचपन में खुद को अपने कानों को खींचा करती थी, लेकिन इनका ख्याल है कि लचकदार कानों के ख्वास इन्हें कुदरत ने अता किए हैं।